क्या रणनीति बनाई है? जो हमारा मेरठ जनपद है उसमें अभी कावड़ का जो आवागमन है धीरे धीरे हो रहा है और जनपद को 22 जोन और 62 सेक्टर में बांटा गया है। जगह जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है और आप जैसा देख रहे हैं कि इसमें धीरे धीरे जो कावड़ी हैं जल लेकर आना प्रारंभ हो गया है। जगह जगह शिविरों की स्थापना भी हो रही है। पुलिस अधिकारी भी इसमें ड्यूटियाँ जो हैं वो रात्रि से प्रभावी हो जाएंगी। रूट का जो डाइवर्जन है भारी वाहनों का वो भी कल से इसमें आरंभ हो जाएगा और उसके बाद जैसे जैसे आवागमन कावड़ियों का बढ़ेगा उसके हिसाब से जो पुलिस की सतर्कता और पुलिस की जो व्यवस्थापन है वो भी बढ़ जाएगा। वहीं देखा गया है सोशल मीडिया पर जल्दी परमा खबरें फैल जाती हैं, क्या उस पर नज़र रखी जाएगी? सोशल मीडिया के द्वारा लगातार ही इसकी निगरानी की जाएगी। हमारा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है, वहाँ से भी जगह जगह जो हमारे सीसीटीवी कैमरे हैं उसको इंटीग्रेट करके वहाँ पे हमारे पुलिस अधिकारी बैठे रहेंगे जो लगातार सीसीटीवी के माध्यम से कितनी भीड़ का आवागमन हो रहा है उसको उस पर नज़र रखेंगे और पुलिस लगातार इसकी सक्रिय है। कितनी फोर्स बाहर से मंगाई गई है और कहाँ कहाँ पिकेट बनाई गई है? इसमें पूरे जो हमारे कांवड़ की यात्रा है 1000 से अधिक पुलिसकर्मी इसमें लगते हैं और भाई जनपदों से भी इसमें पुलिस फोर्स मिलता है। इसमें क्षेत्राधिकारी और जो एडिशनल एसपी स्तर के जो अधिकारी हैं वो बाहर के जनपद से हमें आवंटित किया। थैंक यू।